नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 19 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार राजस्व विभाग ने 9,828 पदों पर निकाली बंपर रिक्तियां। बिहार के युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार ने सभी युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर दिया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में 9,828 पदों पर बंपर रिक्तियां निकाली है, जिसमें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,738 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4,353 पद, कर्मचारी के लिए वहीं 1,737 पद अमीन की नियुक्ति के लिए निकाले गए हैं। आपको बता दें, बिहार एवं राजस्व विभाग में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। गंगा नदी के पानी से दूर हो जाएगी फाल्गू नदी की सारी समस्याएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में गयापाल तीर्थ पुरोहित से यह कहा है कि गंगा नदी के पानी से आ जाने से फाल्गू नदी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी इस योजना पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ज्ञात हो, गया के विष्णुपद मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर के गर्भगृह में तुलसी अर्चना भी की थी। बांका जिले के मंदार पर्वत पर देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराणों और महाभारतों में कई कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था। अगर आप मंदार पर्वत जाते हैं तो आप लखदीपा मंदिर भी घूम सकते हैं, जो कि वहीं पास में स्थित है। नीतीश कुमार के गुम होने वाले पोस्टर पर बोले अशोक चौधरी, बिहार की राजनीति में अब बूझो तो जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और यह सिलसिला किसी और ने नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुरू किया है। इसी क्रम में अब जदयू के अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की पहेली का जवाब पहेली में ही दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा है कि अपने बिहार में एक नेता गायब नेता है। सदन से गायब, संवैधानिक पद से गायब, पुत्र होने के कर्तव्य से गायब, लालटेन लेकर खोजने पर भी पता नहीं चलता है वह कौन है, क्या आपको पता है। दरअसल अशोक चौधरी ने यह बयान हाल ही में तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार के गुम होने के पोस्टर पर किए गए टिप्पणी में दिया है। बिहार में होगी 63,951 शिक्षकों की बहाली। सभी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए बंपर रिक्तियां निकाली हैं, जिसके तहत अब जल्द ही 63,951 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इतने तादाद में हो रही बहाली में डीएलएड पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीट खाली होने की स्थिति में या फिर डीएलएड की अनुपलब्धता होने की स्थिति में बीएड और इसके समकक्ष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। नए साल पर पटना जू घूमने जाने वालों के लिए खुशखबरी। नए साल के शुभ अवसर पर संजय गांधी जैविक उद्यान भ्रमण करने वालों के लिए खुशखबरी। नए साल के शुभ अवसर पर पटना जू घूमने आने वाले अब एडवांस में ही टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके तहत अब आप क्रिसमस के दिन से ही नए साल में घूमने के लिए टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। ज्ञात हो, प्रशासन ने हर साल नए साल के दिन पर घूमने आने वालों की भीड़ की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। सिपाही की परीक्षा भर्ती का शेड्यूल हुआ जारी। सिपाही भर्ती के लिए आवेदन भरने वालों के लिए अहम सूचना। 11,880 पदों पर होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का आयोजन 12 और 20 जनवरी को करवाने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें, 12 और 20 जनवरी को होने वाले इस परीक्षा में 12.65 लाख कैंडिडेट की 4 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएंगी, जिससे कि अब हर पाली में करीब 3.25 लाख कैंडिडेट को बुलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए 38 जिलों में 550 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत कैमूर में कई योजनाओं का हुआ शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली अभियान के तीसरे चरण के तहत इन दिनों कैमूर में हैं। अपने कैमूर की इस यात्रा में उन्होंने 66,898,00,000 की योजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवानपुर प्रखंड के पहरिया पंचायत के औसन गाँव में मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कराए गए पाइप निर्माण, तालाब और कुओं के जीर्णोद्धार का अवलोकन भी किया। बेहतर रिजल्ट के लिए बिहार बोर्ड ने शुरू की एक नई पहल। इस साल सभी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है, जिससे कि अब परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी बेहतर परिणाम ला सकेंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के मद्देनजर 5 सप्ताह का क्रैश कोर्स करवाने की पहल की है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों के डीपीओ को निर्देश जारी किया है। बिहार समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। कश्मीर घाटी में हो रही असामान्य बर्फबारी और तेज हवाओं का असर बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में तेज हवाओं के चलने के कारण मौसम में कंपकंपी बढ़ गई है। पारा सामान्य से नीचे जा लुढ़का है। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तापमान ने पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बिहार प्रशासनिक सेवा के लगभग 100 अधिकारी का हुआ तबादला। बिहार प्रशासनिक सेवा ने लगभग 100 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने 85 अधिकारियों का तबादला अपर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में किया है। पटना में कार्यरत स्माहर्ता योगेंद्र कुमार को भोजपुर का अपर अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं सारण के नरेंद्र मोहन झा और पूर्वी चंपारण के संजय कुमार राय को भू अर्जन विभाग सौंपा गया है। मगध प्रमंडल में हुए कामों का जायजा लेंगे नीतीश कुमार। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मगध प्रमंडल में हुए कामों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके लिए जल्द ही गया के स्माहर नाले में समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। आयोजित किए जाने वाले इस समीक्षा बैठक का हिस्सा कृष्णानंद प्रसाद, डॉक्टर प्रेम कुमार समेत अन्य मंत्री बनेंगे। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अहम शर्मा की। अहम शर्मा का जन्म बिहार के सलीमपुर गांव में हुआ था। आपको बता दें, अहम एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले एक इंजीनियर थे। अहम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1962 माई कंट्री लैंड से की थी, जिसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में भी सपोर्टिंग रोल बखूबी निभाया है। वहीं अगर हम इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत की बात करें तो अहम शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत NDTV पर प्रसारित होने वाले चांद के पार चलो से किया था, जिसके बाद उन्हें टीवी की दुनिया में कई सारे किरदारों को निभाने का मौका भी मिला। मांझी ने भाजपा पर कसा तंज। हम प्रमुख जीतन राम मांझी पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया पहुंचे, जहां जीतन राम मांझी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद में जुटी हुई है, मगर हम केंद्र सरकार के इन इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। हम संविधान के साथ किसी भी तरह का फेरबदल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठंड के मौसम में अक्सर कोहरे के कारण विमान के परिचालन के समय में फेरबदल देखने को मिलता है। ऐसे में यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट परिसर में इकट्ठा होना भी स्वाभाविक है। ऐसे में अब एयरपोर्ट प्रबंधन ने पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों के ठहरने के लिए बड़ा टेंट बना दिया है, जहां पर एक साथ 400 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, इस टेंट में यात्रियों के लिए सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। बिजली दर में बढ़ोतरी के फैसले का उद्योग जगत ने किया विरोध। अगले साल के अप्रैल महीने से बिजली कंपनियां बिजली की कीमत में 15% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जिसका विरोध अब उद्योग जगत ने किया है। उद्योग जगत का यह कहना है कि अगर सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करती है तो बिहार में उद्योग बंद हो जाएगा, खासकर की आयरन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। BIA के अध्यक्ष रामलाल खेतान का यह कहना है कि अगर बिहार में बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई तो यकीनन हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। पटना समेत इन जिलों की सड़कें होंगी और चौड़ी। पथ निर्माण विभाग ने पटना समेत 7 जिलों के सड़कों के निर्माण कार्य का काम शुरू करने का ऐलान किया है। पथ निर्माण के अनुसार पटना समेत इन सभी 7 जिलों के सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए कुल मिलाकर 156 करोड़ की राशि भी जारी की गई है। आपको बता दें, जारी किए गए इस राशि में से पथ निर्माण विभाग लगभग 65 किलोमीटर की सड़कों को और ज्यादा चौड़ा करेगा। श्रम संसाधन मंत्री ने की जल जीवन हरियाली अभियान की तारीफ। बेगूसराय के स्मारण नाले स्थित कारगिल विजय भवन में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार ने बैठक का शुभारंभ किया। साथ ही साथ बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली भावी पीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सकारात्मक सोच का प्रतिफल है। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार के इस प्रयास में समाज के सभी लोग बराबर की भागीदारी दें। OTA बंद किए जाने के फैसले से हैं नीतीश कुमार नाराज। बिहार के गया जिले में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को बंद करने के फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। राजनाथ सिंह को भेजे गए पत्र में उन्होंने साफ साफ यह लिखा है कि गया जिले के OTA का बंद होना बिहार के साथ सरासर नाइंसाफी है। वित्त मंत्रियों की बैठक का हिस्सा बने सुशील मोदी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयोजित की गई बजट पूर्व बैठक का हिस्सा बने, जहां पर उन्होंने वित्तीय विभाग से एक देश एक बिजली दर की मांग को दोहराया है। वहीं इस बैठक के पश्चात उन्होंने GST काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लिया, जहां पर GST के अंतर्गत राजस्व बढ़ाने के उपायों पर सोच विचार किया गया। साथ ही साथ बैठक के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए विवरणी पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,690 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.56 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 70.82 रुपए प्रति लीटर था।
कबीर खान अब बॉलीवुड के बाद अमेजॉन प्राइम पर दिखाएंगे अपना कमाल। बॉलीवुड को बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में देने वाले कबीर खान अमेजॉन प्राइम पर अब अपना कमाल दिखाने वाले हैं। जल्द ही वो अमेजॉन प्राइम पर अपना एक नया डिजिटल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फॉरगॉटन आर्मी। कबीर खान का यह नया डिजिटल प्रोजेक्ट अगले साल से अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम किया जाएगा। अभी फिलहाल कबीर खान ने अपने इस नए प्रोजेक्ट का पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म के नाम और पोस्टर से दर्शक इस मूवी का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में शामिल हुए जसप्रीत बुमराह। भारत वेस्टइंडीज के बीच कल हुए दूसरे मुकाबले से पहले अभ्यास सत्र में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शामिल हुए, जहां उन्होंने कोहली और रोहित की गेंदबाजी की। हालांकि उन्हें अभ्यास सत्र में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि टीम प्रबंधन चाहती थी कि बुमराह की फिटनेस का जायजा लिया जा सके। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बारिश के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं दिनभर हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री ने किया एक बड़ा ऐलान। जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान नवादा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि सरकार जल्द से जल्द नवादा तक गंगा नदी को पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही फुलवरिया डैम की भी चर्चा करते हुए डैम के विस्तार और संरक्षण करने का भी ऐलान किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, कैब और एनआरसी पर बिहार बंद पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।